अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस फरहा जमील। आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू गो फॉर स्टडी, सो टेक आउट योर सोशल स्टडीज़ बुक एंड ओपन द पेज नंबर 47। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डूइंग यूनिट 12 और सिटीज़, यानी हमारे शहर, हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और सिटीज़ के बारे में। और बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में इसके बारे में डिटेल में रिवाइज़ किया था कि पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कोयटा, बहावलपुर, सरगोधा, सियालकोट, सखर, लाड़काना, रहीम यार खान, साहिवाल, मर्दान, उकाड़ा, जंग और भी बहुत से शहर हैं। तो बच्चों, हमने इनमें पढ़ा था कि हमारे पास बिग सिटीज़, पाकिस्तान में बिग सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा और मुल्तान पढ़ा था और इनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था कि यहाँ पर कौन कौन सी जो स्पेशल इमारत है, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि बच्चों, इस्लामाबाद कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का और ख़ूबसूरत तरीन शहर है और दुनिया के ख़ूबसूरत तरीन शहर में शुमार किया जाता है। इसी तरह से लाहौर के बारे में क्या पढ़ा था कि लाहौर पंजाब का कैपिटल है और यहाँ की स्पेशलिटीज़ मीनार पाकिस्तान है, जो कि 23 मार्च 1940 की याद दिलाता है। इसकी डिटेल हम कल पढ़ चुके थे। और कराची, कराची सिंध का कैपिटल है, हमारे सूबह सिंध का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का दूसरा बड़ा शहर कराची है। और बच्चों, इसी तरह से पिशावर के बारे में पढ़ा था कि खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है पिशावर, और पिशावर की स्पेशलिटी ये खैबर पास है, जो कि एक माउंटेन पास है और ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ है। और कोयटा के बारे में क्या पढ़ा था कि कोयटा कौन से सूबे का कैपिटल है, कोयटा सूबा बलूचिस्तान का कैपिटल है, सूबा बलूचिस्तान के हिल स्टेशन पर ज़्यारत एक मकाम है जहाँ पर कायद आज़म की आखिरी आरामगाह थी। इसकी तफसीलात हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जबकि बच्चों, लाहौर के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाहौर भी पंजाब का एक बड़ा शहर है और बच्चों, ये जुनूबी पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़िया है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का ये पांचवां बड़ा शहर है। तो इस तरह से हम इन तमाम मेन सिटीज़ के बारे में, हमारे कंट्री की जो मेन सिटीज़ हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम इसकी रीडिंग करते हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी बिग सिटीज़, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा एंड मुल्तान आर मेन सिटीज़ ऑफ आर कंट्री। क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सी बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, कोयटा, मुल्तान वगैरह, पाकिस्तान के हमारे कंट्री के, हमारे मुल्क के मेन सिटीज़ हैं, यानी कि ख़ास शहर हैं। इन अ सिटी सम बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस आर ओल्ड एंड सम आर न्यू एंड मॉडर्न। क्या कहा जा रहा है कि इन शहरों में कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत पुरानी हैं और कुछ बहुत न्यू और मॉडर्न तैयार की गई हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड रेलवे स्टेशंस आर सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन अ सिटी। जिनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स और रेलवे स्टेशंस जो हैं इन शहरों के ख़ास बिल्डिंग्स में शुमार किए जाते हैं। बच्चों, ये फैसल मॉस्क है और ये फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में वाक़िया है। बाकी तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको बता चुकी थी। ये कायद अजम का मज़ार है जो कि कराची में वाक़िया है। ये खैबर पास है जो कि आपके पेशावर में वाक़िया है। और ये मीनार पाकिस्तान है जो लाहौर में वाक़िया है। अब बच्चों, हम यूनिट 12 के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम सम बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। एज वी नो दैट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आर सम बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह बड़े शहर हैं पाकिस्तान के। नेम सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन अ सिटी, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स की नाम बताएं जो कि
इन शहरों में वाक़ हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड रेलवे स्टेशंस आर सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन अ सिटी. पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इन पाकिस्तान देयर आर मैनी बिग सिटीज़. पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े शहर हैं. येस इट इज़ ट्रू. इस्लामाबाद एंड कराची आर द मेन सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री. इस्लामाबाद और कराची हमारी मुल्क के मेन कंट्रीज़ हैं. येस इट इज़ ट्रू. इन आवर सिटी ऑल बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस आर ओल्ड. हमारे शहरों में तमाम बिल्डिंग्स और प्लेसेस जो है वो ओल्ड हैं. नो, क्योंकि कुछ न्यू और मॉडर्न्स भी बनाई जा चुकी हैं. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स आर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन अ सिटी. इज़ इट राइट? येस, क्योंकि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन शहरों की. अब बच्चों, आपका होमवर्क ये कि आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को और ट्रू फॉल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है. जब आप स्कूल आएंगे तो फिर आपसे इनका टेस्ट लिया जाएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.